हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइनो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 09 का लेसन 14 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे परिषदों के भीतर और बाहर प्रतिरोध के बारे में। किस प्रकार से जो काउंसिल था उसके बाहर और अंदर प्रतिरोध जताया गया, गवर्नमेंट का किस तरह से विरोध किया गया, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट लेसन, और अक्सर इस लेसन से क्वेश्चन भी बनकर आता है आपके एग्जाम के अंदर में। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि पृष्ठभूमि है क्या, किस तरीके से चीजें आगे विकसित हुई उसके बारे में समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा है, 1914 से लेकर 1917 का जो पूरा टाइम था प्रथम विश्व युद्ध का था। भारत के ऊपर में कभी भी प्रथम विश्व का डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि डायरेक्टली पार्टिसिपेट भारत नहीं कर रहा था, पर इनडायरेक्टली इंपैक्ट भारत के ऊपर में देखा जाता है। इनडायरेक्टली इंपैक्ट के अंदर में आप देखोगे कि आर्थिक मंदी भी भारत के अंदर में देखना पड़ा। लोगों को, जो आम लोग थे, जो जो मजदूर वर्ग था, उसकी जो चीजें थी, जरूरत की मंद की जो चीजें होती थी, वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई और कई तरीके की मार लोगों को झेलनी पड़ी। ठीक है, तो ये सारी चीजें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट भारत के अंदर में देखा जा रहा था। पर लोगों को क्या आशा थी कि जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या करेगी, कुछ संवैधानिक सुधार करेगी, टैक्स को कम करेगी और रिलीफ देगी लोगों के लिए, कुछ नई योजना लेकर आएगी जिससे लोगों को रिलीफ मिलेगा और वो आगे विकास कर पाएंगे। यहाँ पे अब रिलीफ की हम क्यों बात करते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे कोरोना वायरस आया भारत के अंदर में, तो भारत के अंदर में कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन लगा, तो बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए। तो गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए जिनको EMI भरना था उनको बोला गया कि चलो आप EMI का जो आपका जो टैक्स लगता था ना, या फिर उसके ऊपर में जो ब्याज लगता था, इंटरेस्ट लगता था, वो हम माफ करते हैं, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आगे आप पे कर देना, 2 महीने बाद पे कर देना, 2.5 महीने बाद पे कर देना, एक तरह का रूल लाया गया। तो सेम तरीके से यहाँ पे एक तरीके की उम्मीद की गई कि ब्रिटिश सरकार से कि वो संवैधानिक सुधार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का जो इम्पैक्ट था ना आम लोगों के ऊपर में बहुत बुरी तरह से पड़ा था, जो आम लोग थे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिसके कारण से यहाँ पे संवैधानिक सुधार की मांग की गई। और यहाँ पे हुआ क्या, सब कुछ इसके विपरीत देखा जाता है, सब कुछ इसके अपोजिट हुआ। जो भी सुधार लाए गए वो एक सिर्फ नाम मात्र के सुधार थे, उससे लोगों की जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ा और जो टैक्स था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया और नए लोगों पे ना एक तरह से नया मार पड़ गया, जो टैक्स वैक्स का बाकी चीजें इंक्रीज करने के कारण से लोगों पे और बुरी तरह से मार पड़ी टैक्स की, ये चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। भारत सरकार ने 1919 के अंदर में एक अधिनियम पास किया। ठीक है, अधिनियम का पास करने के बाद क्या हुआ कि विधानसभा और केंद्रीय स्तर पर जो भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में जो चुनाव का अधिकार था वो छीन लिया गया, उनसे छीन लिया गया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इस तरह के अधिकार को छीन लिया गया। ठीक है, जो भारतीय भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में जो चुनाव लड़ते थे केंद्रीय स्तर पर विधानसभा के अंदर में, उसका यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। बंगाल के चितरंजन दास ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव को में भाग लेने की सलाह दी। चितरंजन दास बंगाल के थे, वो उन्होंने सलाह दी कांग्रेस को कि हमें विधानसभा चुनाव के अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें भाग लेना चाहिए, इनकी सलाह थी। पर अखिल भारतीय कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया, उसको उन्होंने नहीं माना। इसका रीजन ये था कि कांग्रेस पार्टी ना एक तरह से लोगों की पार्टी मानकर चलती थी, उसके विचारधारा देश को आजादी दिलाने की थी ये मानकर चल रही थी, वो ये नहीं सोचती थी अपने आप को पॉलिटिकली कहीं हम स्टेबल करें, हम यहाँ पे राजनीति करने आए, ये नहीं मानना था। सेम इस लाइन से मुझे एक चीज याद आ गया, केजरीवाल जी का बात याद आ गई कि केजरीवाल जी की जब आम आदमी पार्टी बनी तो उससे बनने से पहले वो भी बोल रहे थे कि जो पॉलिटिकल है ना, ये पॉलिटिकल बहुत बेकार चीज है, ये चीज वो चीज, इस तरह का बोला गया था। पर आज देखो खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो सेम चीज यहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस जब था, जब वहाँ पे गांधी जी बाकी लोग थे, तो उनके नेतृत्व में कहा गया कि यार हम पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना है, हम तो लोगों की भलाई करने के लिए आए, हम यहाँ पे राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। और जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, सेम आपको केजरीवाल की फोटो याद आएगी, एकदम इमेज याद आएगा कि सेम लाइन तो उन्होंने भी बोला था कि हम राजनीति को बदलने आए। तो यहाँ पे भी कांग्रेस ने इसको अस्वीकार किया, पर जैसे ही इसको अस्वीकार किया कि मानने से मना कर दिया कि भैया स्वीकार हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो उसके बाद क्या होता है कि चितरंजन दास के द्वारा यहाँ पे स्वराज का आदर्श जो था ना, एक आइडियोलॉजी कि हमें स्वराज लाना है, उसकी यहाँ पे आइडियोलॉजी की शुरुआत हो जाती है। और इस पूरे चैप्टर के अंदर में जो क्वेश्चन बनकर आता है, आपका क्वेश्चन बनकर आता है स्वराज से, कि स्वराज जो स्वराज पार्टी बनी ना, स्वराज, स्वराजवाद या स्वराज है क्या, स्वराज दल की स्थापना किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से विकसित हुआ, किस प्रकार से इसका पतन हुआ, और क्वेश्चन पूरे चैप्टर के अंदर में सिर्फ स्वराज का ही रहता है। ठीक है, तो आपको ये वाले चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना है। तो अभी मैं बेस बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ चीजें कि स्वराज बना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे बेस मैंने बताया कि भैया इलेक्शन लड़ने के लिए चितरंजन दास ने बोला इलेक्शन लड़ लो, तो जो अखिल भारतीय कांग्रेस था उन्होंने मना कर दिया। अब यहाँ से स्वराज की आइडियोलॉजी तो आ चुकी है, अब क्या होता है आगे ये देखो। विधानसभा में प्रवेश को लेकर कांग्रेस में विवाद उत्पन्न हो गया, कुछ लोग सहमत थे कि हमें विधानसभा के इलेक्शन में प्रवेश करना चाहिए और कुछ लोग इसके विरोध में थे, कुछ सहमत थे कुछ इसका विरोध कर रहे थे। दिसंबर 1922 में गया के अंदर में अधिवेशन रखा गया कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, बड़ी सी मीटिंग हुई, अधिवेशन हुआ, उसके अंदर में सहमति नहीं बनी कि भैया हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है, हम सहमति नहीं बन पाए।
कांग्रेस ने जो विधानसभा में प्रवेश की अनुमति थी वो नहीं मिल पाई कि कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो बहुत सारे लोगों के अंदर में मतभेद हो गया। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे मतभेद की स्थिति देखी और गया अधिवेशन के अंदर में डिसीजन हुआ कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कि सी आर दास जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए, जो बंगाल के सी आर दास मैंने ऊपर बताया, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस टाइम पे, उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया कि भैया मैं पद पे नहीं रहूंगा, जब मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे तो क्या पद पे रहना, तो यहाँ पे इस्तीफा दे दिया इसने। साथ साथ में क्या हुआ, कांग्रेस के जो समर्थक थे ना, नई पार्टी कांग्रेस मतलब यहाँ पे नई पार्टी बना ली है, जो भी कांग्रेस के समर्थक थे उन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया, सी आर दास उसके हेड रहे, एक तरीके से मान सकते हो। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई गई, ठीक है, जिसको हम स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। खिलाफत मतलब क्या, कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने कई नई पार्टी बना ली कि भैया तुम तो लड़ नहीं रहे, मैं लड़ूंगा, तो यहाँ पे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनते हैं, सी आर दास के बाद यहाँ पे नए अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। चलो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आप सभी व्यूवर्स के लिए देना चाहूंगा कि अभी करंट में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं कौन है, उनका नाम क्या है, ठीक है, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ से बिलोंग करते हैं, दो चीज बताना, उनका नाम क्या है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ था। एक चीज और, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले, एक चीज और आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जो द इन अप का परिवार है, आपके सपोर्ट से, आपके मदद से 60,000 को हम क्रॉस कर चुके हैं, 60,000 प्लस हो चुका है हमारे सब्सक्राइबर के मेंबर, और जो हमारी द इन अप का परिवार है 60,000 का हो चुका है, इसको हम जल्दी से जल्दी 1,00,000 के करीब में ले जाना चाहते हैं, 1,00,000 पहुंचाना चाहते हैं, 1,00,000 से जितना ज्यादा हो सके उतना पहुंचाना चाहते हैं, जितना आपका मदद हो सके उतना ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो हमारे द इन अप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है, और जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ना आपके कॉलेज की, आपके एग्जाम्स की, सारी आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलने वाली है, आपका नॉलेज भी बूस्ट होगा, अगर आप एमए कर रहे हो तो भी आपके लिए यूजफुल होने वाला है, आप एमए नहीं कर रहे हो तो भी आपको बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल के थ्रू मिलने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। द इन अप के ऊपर में आपको जितने भी आपके एकेडमिक कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस हैं वो मिलने वाला है, एमए हो, बीए हो, कुछ और चीज़ें हो, कोई टॉपिक हो हिस्ट्री से, वो सारा आपको मिलने वाला है। अगर आपके माइंड में भी कोई टॉपिक हो ना वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। और साथ साथ में नव इन्फो पे, जहां पे आपको इग्नू से रिलेटेड सारे अपडेट मिलेंगे टाइम टू टाइम, जो भी अपडेट है, एग्जाम कब होना है, असाइनमेंट कब होना है, कैसे बनना है, क्या चीज़ होना है, वो भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलना है। तो हमारे दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है लिंक्स को, और हमारी वीडियो वैल्यूबल लग रही है ना तो आप हमें थैंक्स पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब के अंदर में थैंक्स का बटन आता है तो वहाँ पे थैंक्स भी हमारे लिए भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहने वाली है, और जो भी स्टूडेंट्स एमए हिस्ट्री का नोट चाहिए जिन्हें भी, इस वीडियो का नोट चाहिए जिन्हें भी, या फिर एमए हिस्ट्री का नोट चाहिए, तो डायरेक्टली गूगल ब्लॉगर पे जा सकते हैं या क्वेरा पे जा सकते हैं, वहाँ पे जाकर उनको एमए हिस्ट्री का नोट फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से वो स्टडी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नए अध्यक्ष बनते हैं, उनसे पहले कौन थे, तो सी आर दास अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद एक नई पार्टी का निर्माण किया जाता है जिसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखी जाती है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नई पार्टी नए अध्यक्ष के तौर पर बन जाते हैं। दोनों दलों को मिलाने का प्रयास किया गया पर सफल नहीं हुआ। अब ये भी कई बार बना मेंटेलिटी ना कि चलो कांग्रेस और कांग्रेस खिलाफत जो स्वराज पार्टी है दोनों को मिला देते हैं, पर हो नहीं पाया। 1924 के अंदर में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, गांधी को जेल से मुक्त कर दिया गया। अब गांधी को जेल में क्यों डाला गया था, तो गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, बाकी जो चीजें थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है, तो गांधी जी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आगे मूव कर रहे थे तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, और गांधी जी को यहाँ पे फिर उसको छोड़ दिया गया। 1924 के अंदर में गांधी जी को यहाँ पे मुक्त कर दिया गया जेल से। 1924 के अंदर में बेलगांव अधिवेशन किया गया, जिसके अंदर में गांधी जी और चितरंजन दास जो थे उनके अंदर में सहमति बन जाती है। चितरंजन दास थे कौन, तो सी आर दास जो यहाँ पे थे ना, यहाँ पे सी आर दास, इन्हीं को चितरंजन दास फुल फॉर्म के तौर पे बोला जाता है। दोनों के बीच में सहमति बन जाती है, किस चीज को सहमति लेकर बनती है, तो हम इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते उसको लेकर सहमति बन जाती है। तो गांधी जी एक रुकावट के तौर पर देखा जा रहा था, जो ये मानते थे कि जो हमारे कांग्रेस की आइडियोलॉजी है ना वो इलेक्शन नहीं लड़ने की है, हम लोगों की भलाई करने के लिए आए हैं। गांधी जी एज लाइक अन्ना हजारे आप मान के चल सकते हो, जिनका ये आइडियोलॉजी था। केजरीवाल एज लाइक मान लो चितरंजन दास जो आगे बढ़ना चाह रहे थे, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हो जाती हैं, और स्वराज जो थी कांग्रेस का एक कार्यक्रम के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है कि हम अपने जो मैनिफेस्टो है ना, जो हमारा मेन मोटिव है, उसके अंदर में हम स्वराज को ऐड करेंगे और कांग्रेस के कार्यक्रम के रूप में उसको स्वीकार करके आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे तय किया जाता है गांधी जी और चितरंजन दास की सहमति के बाद।
ठीक है, आगे हम समझते हैं अब स्वराज की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब यहाँ पे समझ में आ गया ना स्वराज की आइडियोलॉजी कैसी थी और कांग्रेस पार्टी के अंदर में क्या हुआ, ये आपको बेस समझ में आ गया, पृष्ठभूमि समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं कि स्वराज की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम यहाँ पे बात करें कि स्वराज की आवश्यकता के बारे में, तो एक जो स्वराज दल था ना इसका सर्वोच्च आदेश आदर्श क्या था कि हम स्वराज लाएंगे। स्व मतलब क्या होता है, अपना, राज मतलब व्यवस्था, एक तरह से अपना शासन लाएंगे। हम किसके शासन में जी रहे हैं, तो ब्रिटिश सरकार के शासन में जी रहे थे, गुलामी के शासन में जी रहे थे, तो हम गुलामी को तोड़ेंगे और अपना शासन कायम करेंगे, स्व का राज कायम करेंगे, अपना स्वयं का राज कायम करेंगे। तो यहाँ पे स्वराज की बात की गई और सबसे उच्च आदर्श के अंदर में इसको रखा गया। इसके निर्माण के समय लोगों ने इसके विरुद्ध अफवाहें थी, लोगों के अंदर में अफवाहें थी, मतलब बहुत सारा र्यूमर्स था। र्यूमर्स क्यों था, तो इनका र्यूमर्स ये था कि कांग्रेस विरोधी है। उस समय ये माना जाता था ना कि जो व्यक्ति, ठीक है, गांधी जी के अपोजिट खड़ा है ना, वो देश का विरोधी है, ये माना जाता था। ठीक है, गांधी जी के खिलाफ मतलब देश के खिलाफ, ये चीज गांधी जी अगर ना अंग्रेजों को बोल देना कि ये धर्म परमात्मा आदमी है, तो मतलब वो परमात्मा आदमी है और ये चीजें चलता था। ठीक है, आज के समय में क्या होता है ना कि अगर बीजेपी, आज का मैं अभी करंट गवर्नमेंट बता रहा हूँ, जो मैंने अभी हाल फिलहाल के अंदर में जो भी इंसिडेंट हो रहा है इसराइल गाजा का जो भी चल रहा है उसके बाद मैंने देखा, नोट किया और काफी समय से नोट करता हूँ, तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला कि सूरज पूरब से उगता है, तो अब कांग्रेस कैसे मान लेगा भैया पूरब से उगता है। ठीक है, लोग तो मानेंगे कि पूरब से उगता, पर कांग्रेस का कहना है कि नहीं पूरब से नहीं उगता, बीजेपी गवर्नमेंट को हमें क्या करना है यहाँ पे, उसको अपोज करना है, तो हम बोलेंगे पश्चिम से उगता है, उत्तर से उगता है, दक्षिण से उगता है, पर हम पूरब नहीं मानेंगे, भले ही वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो पर वो नहीं मानेंगे। ठीक है, गाजा ने हमला किया और जो हमला का पूरा प्रारूप था, जो स्वरूप प्रारूप देखोगे तो आतंकवादी हमला है। ठीक है, अगर भारत के अंदर में भी हमला होता है तो वो आतंकवादी हमला माना जाएगा, और कहीं भी होगा आतंकवादी हमला माना जाएगा, भले ही कुछ भी रीजन से किया जाए। ठीक है, तो आतंकवादी हमला माना जाएगा, कहीं भी उसको हम सही नहीं ठहरा सकते। पर कांग्रेस ने बोला नहीं, वो बीजेपी अगर उसको सपोर्ट कर रही है तो हम उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे, मतलब वो हमला नहीं। ठीक है, ये चीज माना गया। और जो लॉजिक्स दे रहे थे ना लोग कि ऐसा है ऐसा है, लॉजिक सुनने के बाद आपको लगेगा ना कि यार कहाँ से पढ़कर आए हैं, इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए, या हम में मूर्ख हो गए, ऐसा फील होगा आपको। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो लोग इसको कांग्रेस विरोधी भी कह रहे थे, जो ये पूरा जो स्वराज पार्टी नहीं बनी ना, ये कांग्रेस विरोधी भी कहा जाता था। ठीक है, अंग्रेजों का समर्थन मतलब इसको, मतलब ये माना जाता है कि जो स्वराज पार्टी है ये अंग्रेजों के समर्थन भी मतलब बनी है, अंग्रेज को समर्थन देती है, इसको सपोर्ट करती है अंग्रेजों को, ये माना जा रहा था। स्वराज दल के लोगों का प्रथम काम जो था गलत फहमियों को समाप्त करना, ये सबसे पहला काम रखा गया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोगों के अंदर में जो र्यूमर्स आ गए ना उसको दूर करेंगे, गलत फहमियों को समाप्त करेंगे, ये रखा गया। अब यहाँ पे क्या गया, ब्रिटिश सरकार ने जनता के ऊपर में नए कर ला दिया, टैक्स ला दिया और ज्यादा, और जो लोगों की इच्छाएं थी ना उसका महत्व नहीं किया। जो लोग चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, कुछ सुविधाएं देगी हमें, कुछ रिलीफ देगी हमें, हमारे लिए नए नए योजनाएं लेकर आएगी जिससे हमें फायदा होगा, पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, टैक्स का बोझ और ज्यादा लाद दिया लोगों के ऊपर में, जिससे लोगों के अंदर में आक्रोश आ जाता है ज्यादा। यहाँ पे स्वराज दल के द्वारा कहा जाता है कि ब्रिटिश जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं में प्रवेश सरकार का विरोध करने का एक अत्यधिक कामयाब तरीका हो सकता है। इनका ये मानना था कि अगर हम विधानसभाओं के अंदर में एंटर कर जाएंगे ना, जो उनका लीगल तरीका है उसके अंदर में एंटर कर जाएंगे ना, तो हम जो सरकार की जो भी योजना है, जो भी नीति है ना, उसको हम विरोध कर सकते हैं। आज के समय में क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई भी रूल रेगुलेशन लेकर आती है, कोई भी मान लो जो चलता है संसद का भवन का जो चलता है, कि लोकसभा और राज्यसभा का जो सेशन चल रहा होता है उसमें कोई भी बिल आया, तो कांग्रेस पार्टी या बाकी जो अपोजिशन पार्टी होती है क्या करते हैं, विरोध करती है। वो एक लीगल तरीका है विरोध करने का। ठीक है, आपको मन में सहमति है असहमति है, तो लीगल तरीके से जताने का तरीका होता है कि इस तरीके से आपने जताया। ठीक है, अब वहां पे जाकर मोदी जी का घर तोड़ने लग जाओ, ये तो लीगल तरीका नहीं है। ठीक है, लीगल तरीका क्या है कि हम उसको विरोध करेंगे। अगर भैया आप मान लो 100 लोगों का एक पूरा संसद भवन है, जैसे अपने भारत की हम बात करें, जो संसद भवन है मान के चलो 100 लोगों का है, तो 100 में से जब तक 51 लोग किसी भी बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक तो बिल पास होना नहीं है। ये अलग अलग जगह का अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है, कुछ जगह 70% की बात की जाती है, कुछ जगह 30, तो इस तरह से। तो एटलीस्ट 51% लोग अगर बिल को सपोर्ट करेंगे, 100 में से 51% लोग ने वोट किया उसके लिए कि हाँ हमें ये बिल पास करवाना है, यस के लिए वोट किया तभी बिल पास होगा, अदरवाइज नो के लिए अगर करेंगे तो बिल पास नहीं होगा। तो यहाँ पे हुआ कि लीगल तरीका, क्योंकि इस तरीके से क्या चीज चल रहा है, तो यहाँ पे स्वराज दल के द्वारा ये लॉजिक दिया गया कि विधानसभाओं में अगर हम प्रवेश करते हैं तो हम सरकार का विरोध कर सकते हैं, किस तरीके से, लीगल तरीके से, और वो कामयाब भी होगा, अधिक कामयाब माना जाएगा। आप लेकर डंडा लेकर खड़े हो रोड पर, बंदूक लेकर खड़े हो, रूल रेगुलेशन माने से मना कर रहे हो, क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हो, इससे सरकार क्या करेगी, आपके खिलाफ नए नए बिल लाएगी, आपको उठा उठा के जेल में डालेगी, उससे आप सरकार को कमजोर नहीं कर पा रहे। ठीक है, सरकार कोई बिल लेकर आया कि ऐसा करेंगे, हमारे पास पावर है, हमने वहां पे लीगल तरीके से तो रोक दिया उसको, तो उस तरीके से सरकार कमजोर होगी,
ये यहाँ पे स्वराज दल ने तय किया और उसको आगे बढ़ाने की बात करी। सी आर दास के द्वारा कहा गया कि परिषदों और विधानसभाओं में हम जानते हैं कि अधिकारों की मांग करेंगे, हम जनता की, जो भी जनता है ना उनके अधिकारों की मांग करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने लिए लड़ रहे हैं अपने लिए करेंगे, हम जो भी जनता है ना उसके अधिकार की मांग करेंगे, यहाँ पर सी आर दास के द्वारा बोला गया। स्वराज पार्टी जो भी स्वराजवादी जो सरकारी नौकरशाही थे उसका सहयोग नहीं करेंगे, इसकी बात कर गई कि सभी जो स्वराजवादी जो नौकरशाही जो व्यवस्था है ना सरकारी नौकरशाही उसको हम सहयोग नहीं करेंगे, इसकी बात कही कि ऐसा नहीं कि हम सपोर्ट करेंगे कि तुम मार रहे तो मारो, जनरल डायर ने गोली चला दी तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा अच्छा अप्रिसिएट करेंगे, ऐसा नहीं है, उसको हम सहयोग नहीं करेंगे इसकी बात कही गई। सभी सरकारी बिलों का हम विरोध करेंगे, जितने भी सरकारी बिल आएंगे ना उसको हम अपोज करेंगे, बिल विरोध करेंगे, बजट पास होने नहीं देंगे, जो भी बजट बजट पास होगा ना उसको हम विरोध, मतलब मेनली ना हम सरकार चलने नहीं देंगे, ये स्वराज पार्टी के द्वारा बोला गया। ये क्यों बोला जा रहा था, जिससे लोगों के अंदर में जो गलत फहमी हो ना दूर हो, उनको ये लगे कि नहीं नहीं भैया ये अंग्रेजों के साथ में नहीं है, ये हमारे साथ में हमारे लिए लड़ रहे हैं, इसके कारण से चीजें लोगों के सामने रखी गई। स्वराजवादी और चुनाव, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। 1920 में चुनाव कांग्रेस ने बहिष्कार किया, कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा 1920 का। 1923 और 1926 के जो चुनाव थे स्वराज दल ने भाग लिया दो बार, 1923 और 1920 के अंदर में। 1923 की चुनाव की जो तैयारी थी स्वराज दल अच्छी तरह से नहीं कर सकी, इसका जो अंतिम उद्देश्य था ना और एकमात्र उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना, ये उद्देश्य इसका रखा गया था कि हमें भैया फ्रीडम चाहिए, स्वराज चाहिए, अपना अधिकार चाहिए, ये इसका उद्देश्य था। स्वराज दल इंग्लैंड में बैठे अधिकारियों को भारत की परिस्थिति के बारे में जानकारी नहीं है ये बोलना था, कि अब इंग्लैंड में एक बैठा हुआ अधिकारी जो राजा रानी जो भी है इंग्लैंड में बैठा हुआ जो अधिकारी है वो भारत के रूल रेगुलेशन बना रहा है, भारत का मकसद तय कर रहा है, भारत को उसने टुकड़ों में बांट दिया, उल्टा सीधा कर दिया सब कुछ, उसको पता ही नहीं भारत के बारे में, वो क्या बताएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं कुछ समय पहले एक डिस्कवरी पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें बताया गया कि जब भारत का बंटवारा होना था ना पाकिस्तान बांग्लादेश का, तो किस तरीके से बंटवारा होगा, तो सारा देखा गया ना, जो बंदा आया था बंटवारा करने के लिए उससे पहले कभी भारत नहीं आया था, उसने बस हवाई सर्वे किया, थोड़ा बहुत उसको जानकारी दी गई, उसके आधार पर उसने बंटवारा कर दिया गया। और रियलिटी देखोगे ना तो काफी सारे जो हिंदू बहुल इलाके थे वो पाकिस्तान में चले गए, बांग्लादेश में चले गए, काफी सारे जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वो इधर रह गए, और एक प्रॉपर तरीके से अगर सेगमेंट वाइज अगर अंग्रेजी चाह ही रहे थे कि हम बंटवारा करवाएंगे, हम प्रॉपर तरीके से लड़ाई झगड़ा सुलझा कर जाएंगे, तो अगर वो चाहते ना तो प्रॉपर तरीके से ऐसा बंटवारा कर देते, किसी भी तरह की आज के समय में कोई भी जो लड़ाई झगड़ा होता है ना भारत के अंदर में वो नहीं होता और सभी देश आगे बढ़ पाते। पर आज के समय जो पाकिस्तान भारत के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की देन है, और सिर्फ पाकिस्तान भारत के बीच में नहीं इसराइल और फिलिस्तीन का भी देख रहे हो ना कॉन्फ्लिक्ट, कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की ही देन है। ठीक है, यूएनओ 1947-48 में जो उनका हुआ ना पूरा समझौता, उसके बाद ही ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा उभर कर आया सामने। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसलिए संविधान बनाने का जो अधिकार है ना भारतीय को होना चाहिए, ये स्वराज पार्टी का कहा गया कि अंग्रेजों को भारत के बारे में कुछ पता नहीं है, भैया कम से कम संविधान बनाने का जो अधिकार हो ना, जो रूल रेगुलेशन बनाने का अधिकार हो वो भारतीयों को दो, ये चीजें यहाँ पे बोली गई। 1930 के दशक के अंदर में जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके अंदर में केंद्रीय सभाओं की मांग रखी गई कि भैया केंद्रीय विधानसभाओं की मांग की जानी चाहिए और उसको बनाया जाना चाहिए। स्वराज दल के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि परिषदों या विधानसभाओं का में कोई भी पद हम नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम उसमें बैठ गए विधान परिषद एकदम हेड मेंबर के और पे बैठ जाएंगे, हम पद नहीं लेंगे और ये जो भी पद होगा ना वो हम कांग्रेस को सौंप देंगे, जो कांग्रेस क्योंकि हमारा बड़ा भैया है हम उसी के वर्तारे पे चलेंगे, हम लड़ेंगे पर जो कुछ भी होगा ना उसको हम कांग्रेस को सौंप देंगे, ये चीज ऐसा कराएंगे, ये चीजें यहाँ पे बोला गया। चुनाव का जो प्रबंध है ना विभिन्न प्रांतों के अंदर में सी आर दास और विठल भाई के द्वारा किया गया। ठीक है, चुनाव का जो प्रबंध था ना विभिन्न प्रांतों के अंदर में सी आर दास और विठल भाई के द्वारा यहाँ पे किया गया। स्वराज दल को जो चुनाव में अच्छी उपलब्धि मिली, ठीक है, जो स्वराज दल थी उसने जब इलेक्शन लड़ा तो उसके अंदर में उसको अच्छी उपलब्धि भी मिली, परंतु इसके उनके जो आशा था ना कि हम इतना जीतेंगे, इतना लेकर आएंगे सीट, इस तरीके से रहेगा, इतना रिजल्ट आएगा, उनके आशा के अनुरूप चीजें नहीं हुई, पर फिर भी उनको विजय मिली और अच्छी जीत मिली ये कहा जाता है। चुनाव की तैयारी किसने करी, तो सी आर दास और विठल भाई ने चुनाव की तैयारी करी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। संयुक्त प्रांत बॉम्बे और बंगाल के अंदर में स्वराज दल ने अकेले बहुमत प्राप्त किया बिना किसी सहयोग के और बिना कोई अच्छी तैयारी से, फिर भी बंगाल और बॉम्बे के अंदर में उन्होंने अच्छी सीटें प्राप्त करी, साथ साथ में कुल मिलाकर इन्होंने 234 सीटें प्राप्त करी थी। इस प्रकार जो स्वराज दल था वो कानूनी राजनीति के अंदर में परिवेश कर चुका। अब 234 सीट प्राप्त करने के कारण से क्या हुआ कि स्वराज दल के पास इतना पावर हो चुका था कि वो जो भी गवर्नमेंट बिल लेकर आ रही है ना उसको अपोज कर सकती थी, उसको वहां पर रोक सकती थी कानूनी तरीके से, ऐसा नहीं था कि ऐसे चल रहा है तो ऐसे चलने दो। तो ये चीजें यहाँ पे देखी गई। विधानसभाओं और परिषदों के अंदर में स्वराजवादी जो पार्टी थी उसके आगे हम यहाँ पे बात करें कि विधानसभा और जो भी परिषद थे उसके अंदर में स्वराजवादी पार्टी का क्या रोल था, तो मोतीलाल नेहरू केंद्रीय विधानसभा के विपक्ष के नेता बने।
ठीक है, मोतीलाल जो नेहरू थे वो केंद्रीय विधानसभा के विपक्ष के नेता बनाए गए। उन्होंने अन्य भारतीय सदस्यों को स्वराज के मुद्दे का निर्माण और समर्थन की मांग करी कि जो भी अन्य भारतीय सदस्य ना स्वराज के मुद्दे पे हमारा साथ दो, इसकी मांग की गई। उन्होंने घोषणा करी कि उदारवाद, स्वावलंबी और स्वराजवाद का जो पूरा लॉजिक, जो मतलब आइडियोलॉजी है ना, कॉन्सेप्ट है, उसमें सदस्यों के अंदर में विभिन्नता नहीं होनी चाहिए, उसकी बात करी यहाँ पे मोतीलाल नेहरू के अंदर में। क्योंकि बहुत सारे जो सदस्य थे ना विधानसभा के या जो भी केंद्रीय विधानसभा के, कुछ उदारवादी थे, कुछ स्वावलंबी थे, कुछ स्वराजवादी के समर्थक थे। तो उन्होंने बोला ना कि तीनों चीजें कोई अलग अलग नहीं है, इसके अंदर में कोई विभिन्नता नहीं होनी चाहिए, कोई आइडियोलॉजी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सब चीज एक ही है। तो इसके बारे में बात करी गई कि उदारता, स्वावलंबी और स्वराजवाद तीनों एक ही, इस तरह की उन्होंने अपने घोषणा के अंदर में ये रख के चलते हैं। मोतीलाल नेहरू की मैं बात कर रहा हूँ। प्रथम विधानसभा के अधिवेशन के अंदर में गांधी जी जेल में थे, जब प्रथम विधानसभा का अधिवेशन हुआ तो उस समय गांधी जी जेल में थे। स्वराज दल ने ये जो अन्य सदस्य थे उनका जेल से मुक्त करवाया, मतलब अंग्रेजों के ऊपर में दबाव डालकर, वो जो लीगली तरीके से दबाव डालकर यहाँ पे गांधी जी को जेल से मुक्त करवाया। और 1924 के अंदर में मोतीलाल नेहरू ने जो अन्य चुने हुए सदस्य थे उन्होंने सरकार से मदद मांगी कि 1919 के अधिनियम में संशोधन की मांग करी मोतीलाल नेहरू ने कि भैया 1919 का जो संशोधन जो कानून आया था उसके अंदर में संशोधन किया जाना चाहिए। और उसमें सफलता मिली क्योंकि जो पार्टी के दूसरे लोग जो सदस्य लोग थे ना चुने हुए जो सदस्य थे उन्होंने इसका सपोर्ट किया, जिसके कारण से उन्हें सफलता मिली और 1919 का जो अधिनियम था उसके अंदर में संशोधन किया गया। आगे मैं बात करूं 1926 के अंदर में जो स्वराज दल था उसके राजनीतिक कैदियों और निष्कासित सदस्यों को मुक्त कराने की मांग रखी गई। ठीक है कि 1926 के अंदर में जो भी स्वराज दल है उसके राजनीतिक कैदी और निष्कासित सदस्य हैं उसको मुक्त कराने की मांग की गई। ठीक है 1926 के अंदर में इसमें चुने हुए जो भी सदस्य थे उन्होंने समर्थन नहीं दिया, जो भी केंद्रीय विधानसभा के अंदर में चुने हुए सदस्य थे उन्होंने समर्थन देने से मना कर दिया। फलस्वरूप इसका क्या हुआ कि उन्हें सफलता नहीं मिली। अब यहाँ पे लॉजिक ये चल रहा था 1926 के अंदर में कि जो भी लोगों को राजनीतिक तौर पे पकड़कर जेल में डाला गया, निष्कासित कर दिया गया या सच मतलब क्रांतिकारी जो कैदी थे उन सबको मुफ्त कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, आजाद कर दिया जाए, ये मांग रखी गई। पर जो विधानसभा के अंदर में जो सदस्य इलेक्शन लड़कर गए, जीत कर गए, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि वो भी इसका समर्थन करेंगे, वो बोलेंगे हाँ छोड़ दिया जाए, पर उन्होंने समर्थन नहीं दिया जिसके कारण से इसके अंदर में सफलता नहीं मिल पाई। 1923 से लेकर 1926 के अंदर में निरंतर जो स्वराज दल था उसके नेता सरकार को बजट और प्रस्तावों का विरोध करते रहे, बजट पास करने नहीं दे रहे थे, जो भी प्रस्ताव लाया जा रहा था उसका विरोध किया जा रहा था 1923 से लेकर 1926 तक। यहाँ पे विधानसभा बहिष्कार का निर्णय किया गया, विधानसभा को बहिष्कार किया गया। यही कार्यवाही परिषद के अंदर में भी की गई, जो भी परिषद था उसके अंदर में भी यही कार्यवाही की जाती है। स्वराज पार्टी की मुख्य उपलब्धियों की अगर हम बात करें कि क्या क्या उपलब्धियां थी इसकी, तो इसके बारे में हम देखें, जो स्वराज पार्टी के नेता थे विधानसभा के और परिषद के अंदर में वो कार्य विशेष में परिवर्तन नहीं करा सके, जो भी कार्य था जो भी चीजें चल रही थी उसमें परिवर्तन नहीं हो सका। स्वराज पार्टी के जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर में वृद्धि और विशेष योगदान देखा गया, जो राष्ट्रीय आंदोलन उस टाइम पे चल रहा था ना एक अलग दिशा के अंदर में उन्होंने मोड़ा। ठीक है पहले का राष्ट्रीय आंदोलन क्या था कि भैया हमें लड़ना है, डंडा लेके बंदूक लेके खड़े हुए कोने पे, जो भी अंग्रेजी अधिकारी आएगा बम से उड़ा देंगे, मार देंगे, गोली कर देंगे, इस तरह की चीजें थी। पर यहाँ पे ना स्वराज पार्टी के देख जब निर्माण हुआ, स्वराज की पार्टी के निर्माण होने के साथ में जो ये लॉजिक था ना पूरा ये डाइवर्ट हो गया, पूरा जो यहाँ पे ना जो कॉन्सेप्ट था ना वो डाइवर्ट हुआ। अब यहाँ पे लीगल तरीके से भी अपोज किया जाने लगा, तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ, मॉडर्नाइज हुआ थोड़ा सा तरीका, और अलग तरीके से ना यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन था वो विकसित होना शुरू हुआ। अब यहाँ पे क्या होता था कि जैसे नौकरशाही होता था ना उसपे भी एक दबाव होता था कि भैया ये तो MLA है, ये तो MP है, ये तो केंद्र सरकार में बैठता है, सरकार की बात नहीं मानेगा। तो यहाँ पे ना जो भी क्रांतिकारी को पकड़ा जाता था, कुछ भी किया जाता, तो ऊपर से इसको सपोर्ट होता था कि मेरा बंदा है ये, इसको छोड़ दे। आज के समय में क्या होता है, सेम यही लॉजिक अपनाया जाता है। ठीक है कोई भी नेता पकड़ाता है, अभी मैं आज एक वीडियो देख रहा था तो यूपी की वीडियो थी, तो यूपी की वीडियो के अंदर में क्या हुआ कि अभी कुछ समय पहले रोड बना, पूरा नया रोड बना, उस पर नया कंस्ट्रक्टर रोड हुआ। ठीक है उस पर ढलैया किया गया रोड के ऊपर में, तो रंगदारी मांगी गई, रंगदारी समझते हो मतलब एक तरह से कि भैया इतना पहुंचा दियो इतने खोखे, ऐसा वाला रंगदारी किया गया। तो रंगदारी मांगा गया, रंगदारी नहीं देने पर क्या किया गया कि पूरे रोड को ना बुलडोजर से उखाड़ दिया गया। अब वो भूल गए कि भैया वहां पे केजरीवाल जी नहीं है, वहां पे बाबा है। बाबा ने क्या किया, भैया आ जाओ बुलडोजर वाले को ले आओ, बुलडोजर को ले आओ, और जिसने मांगा उसको ले आओ। बाद में पता चला कि वो जो मंदा मांगने वाला है वो विधायक का साला, साला का भाई, ऐसा करके पूरा चल रहा है। ठीक है तो इस तरीके से होता था। अपना जो पुलिस होती थी ना वो कार्रवाई करने से डरती थी, डरती किस तरह से कि यार ये विधायक का बंदा है, इसको कैसे हम कार्रवाई करें, इसके ऊपर कैसे करें। तो ये चीजें भी यहाँ पे रहती थी, ये भी कॉन्सेप्ट होता था। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रवृत्ति थी ना उसके अंदर में परिवर्तन देखा गया स्वराज पार्टी के कारण से। सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय तत्व एक दूसरे को निकट लाने में सफल हुए, और जो भी एक
कटाव था ना, एक दूसरे के अंदर में बटे हुए थे कि ये ऐसा है वो ऐसा है, उसके अंदर में ना निकट आते चले गए, पास आते चले गए, वहां पे मतभेद तो थोड़ा सा कम होता चला गया, खत्म होता चला गया। 1920 के अंदर में मोतीलाल नेहरू विभिन्न औपनिवेशिक विरोधी राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त किया, उन्होंने जो भी अलग अलग उपनिवेशिक दल जो विरोधी दल थे जो आपस में विरोध तो कर रहे थे, साथ साथ वो उनका एक लॉजिक ये भी था कि हम उपनिवेश का विरोधी है, हम उपनिवेश को नहीं देखना चाहते। अलग अलग मतभेद के लोग थे, कोई मुस्लिम लीग है, कोई वो है, कोई ये है, पर सबको साथ में लेकर आ पाए जितने भी राजनीतिक दल थे और एक साथ पर उपनिवेश का विरोध किया कि उपनिवेश जो है ठीक है, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद ये क्या है गलत है, इसका यहाँ पे विरोध करने के लिए यहाँ पे सहयोग प्राप्त किया। विधानसभाओं में अन्य दलों का समर्थन प्राप्त किया गया, स्वराजवादियों ने स्वराज की मांग को लोकप्रिय बनाया, लोगों तक पहुंचाया और वे लोग जनचेतना में लाए, जो लोगों की जो जनचेतना है लोगों को जागरूक कर पाए ये देखा गया। मीडिया में भी उनको पर्याप्त मांग की गई, जो भी अखबार छपता था उसके छपता था उनका भी नाम वहां पे लिया जाता था। उन्होंने चुनाव में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करी, कई बार समाजवादियों ने समर्थन जो स्वराजवादी थे स्वराजवादियों का समर्थन ना मिलने पर सरकार का बिल वापस लेना पड़ा। जो भी सरकार बिल लेकर आती थी ना, अगर वहां पे स्वराज पार्टी समर्थन नहीं दे रही है तो सरकार को नीचे झुकना पड़ता था, बिल वापस लेना पड़ता था, इतना तक के लिए मजबूर कर दिया गया था। आगे देखते हैं, 1926 के बाद स्वराज का एक तरह से पतन शुरू हो जाता है, यहाँ पे गिराव शुरू हो जाता है, डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्यों होता है यहाँ पे 1926 के बाद के अंदर में जो स्वराज दल था वो राजनीतिक पतन शुरू हो गया। इसका रीजन क्या था कि जो असहयोग आंदोलन सेम पैरेलल ऐसा नहीं था ना कि देखो ऐसा नहीं किया गया गांधी जी के द्वारा कि हम ये वाला रास्ता चुन रहे हैं तो पहले वाला रास्ता बंद कर देंगे, ऐसा नहीं किया गया था। गांधी जी ने बोला कि चलो तुम्हें लीगल तरीका चाहिए, ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम विधानसभा के अंदर में बैठो, राज्यसभा में बैठो और वहां से बैठकर सरकार चलाओ, आप ये चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको करो, ठीक है। तो गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया कि चलो ठीक है, हम यहाँ से मान गए, कांग्रेस इलेक्शन लड़ लेगा, चलो तुम इलेक्शन लड़ लो, कांग्रेस को ये पद दे देना वो देना, सब यहाँ पे डील हो गई। पर साथ साथ में ये भी बोला गया कि जो हमारा लॉजिक है ना भैया, हम उसको खत्म नहीं करेंगे, हम भी उसको लेकर चलेंगे पैरेलल। अब दोनों चीजें दोनों साथ में एक गाड़ी के पहिए की तरह चलेंगे, दोनों चीजें होंगी ना तो अंग्रेजों पे ज्यादा दबाव बनेगा, इस तरह से एक लॉजिक के साथ में वो आगे बढ़ना स्टार्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे राजनीतिक पतन शुरू होने का मेन रीजन क्या था कि असहयोग आंदोलन जो था ना वो असफल हो गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन असफल होने के कारण से क्या हुआ कि भारत के अंदर में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, ठीक है। अब सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम ठीक है, फूट डालो शासन करो की नीति जो थी अंग्रेजों की वो कायम हो गई, ठीक है, वो विकसित होने लगी और सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे भारत के अंदर में, जिसके कारण से स्वराज पार्टी का कहीं ना कहीं पतन का कारण भी माना जाता है। इस परिस्थिति के अंदर में ना जो स्वराज था ना वो तालमेल टूट गया आपस में, जो लोग थे जो समर्थन करते थे, जो विचारधारा थी आपस में, वहां पे विचारधारा के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि भैया मैं तो ये मानता हूँ वो तो ये मानता है, ऐसा 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 फलाना ढिकाना, ये शुरू हो जाता है। पार्टी कमजोर होने लगी। 1925 के अंदर में सी आर दास जो थे मेन, उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो स्वराज दल होता है उसके सदस्यों के अंदर में मेल जोल खत्म हो जाता है। कई चुने हुए जो सदस्य थे वो पद ग्रहण करने लगे। पहले कहा गया था कि भैया हम कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगे, ये इसको दे देंगे, कांग्रेस को दे देंगे, पर अब क्या हुआ कि यहाँ पे पद ग्रहण करने लगे। विट्ठल भाई पटेल ने क्या किया, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं आगे चल के, ठीक है। साइमन कमीशन, अब यहाँ पे क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि साइमन कमीशन होता है उसमें भारत आ चुका होता है, ठीक है। अब आगे तो मैंने आपको बता ही रखा है, साइमन कमीशन गो बैक आगे फलाना ढिकाना, वो जो चीजें होती है वो आगे बढ़ती। अब यहाँ पे ये रहता है क्वेश्चन जो आपका पेपर में बनकर आएगा इस चैप्टर से, ये आएगा क्वेश्चन बनकर कि आपका जो स्वराज पार्टी थी ना, स्वराज पार्टी की नींव क्या थी, किस तरीके से रखी गई, कॉन्सेप्ट क्या था स्वराज पार्टी का, किस तरह से विकसित हुआ, स्वराज पार्टी के अंदर में क्या क्या चीजें की गई। स्वराज अगर लिखा हुआ दिख रहा है ना तो आपको पूरा चैप्टर आपको छापना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छा खासा 500 वर्ड में लिख सकते हो, 500 से ज्यादा वर्ड के अंदर में प्रॉपर मैंने बता रखा है। छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैंने लिख रखे हैं, पहले जो मेरा लॉजिक होता था ना पढ़ाने का, पूरा प्रॉपर पैरा में होता था कि मैं आपको प्रॉपर पैरा पढ़ाऊँ जिससे आपको चीजें जल्दी समझ में आए, ये मेरा मानना होता था। पर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चीजें लॉजिक चेंज करी है, छोटे पॉइंट्स लेके चलता हूँ, इजी पॉइंट बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। और ये पॉइंट जितने भी है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं आसमान से गूगल से उठा के ले आया, आपकी जो इग्नू की बुक है ना उसको अगर आप खोलोगे ना, सारे पॉइंट्स आपके इग्नू की बुक से ही, एक एक पॉइंट उठा के बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट आपके बुक से ही सारे पॉइंट्स लिए गए हैं जिससे आपको इजी हो कनेक्ट करने में। आप बुक खोल के बैठ जाओगे ना, बुक को रीड करोगे तो आपको सारे पॉइंट मिलते जाएंगे, अच्छा ये वाला पॉइंट मिल गया, अच्छा ये वाला पॉइंट मिल गया, आप इस तरह से सरप्राइज होते चले जाओगे। तो बुक से ही उठाया गया पॉइंट्स, सारे छोटे पॉइंट्स आपको इजीली रहेगा रिमेंबर करने में। और जो मैंने बनाने का तरीका, समझाने का तरीका, वो ये है कि मैं ये प्रॉब्लम फेस करता था, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही थी इस तरीके से, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा, बट रिक्वेस्ट यही रहेगा आप सभी व्यूवर से कि अगर अभी तक आप हमारे दैन परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, हमारी फैमिली से नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे दैन परिवार से जुड़िए, और जो हमारा 60,000 सब्सक्राइबर का फैमिली मेंबर है उसको और बढ़ाइए, और हम चाहते हैं कि इस दिसंबर तक में हमारा जो पूरे सब्सक्राइबर का जो जो वह फैमिली है, हमारे दैन परिवार की जो फैमिली है, वो 1,00,000 की हो जाए, 100K की हो जाए, 1,00,000 की हो जाए, तो उसके लिए आप हमारा सहयोग कीजिए, और आपके लिए हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लेकर आएंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे जिससे हम आपको बेनिफिट पहुंचा सके, आपके एग्जाम में हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वीडियो एंड करूंगा, बस रिक्वेस्ट ये रहेगी क्या कि आप हमारे दोनों चैनल दैन नव इन्फो दोनों को सब्सक्राइब करें। एमए हिस्ट्री के नोट्स के लिए गूगल ब्लॉगर पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको गूगल ब्लॉगर का लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।